आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 13वां अध्याय। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबियाह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम मीकायाह था, जो गिबावासी उरियेल की बेटी थी। फिर अबियाह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबियाह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 400,000 छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यारोबाम ने 800,000 छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबियाह समारिम नामक पहाड़ पर, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इसराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इसराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठ रहा है। उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का पुत्र रहुबियाम लड़का और अलहड़ मन का था और उनका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं, जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के समान याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता, वह उनका याजक हो जाता है जो ईश्वर नहीं है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांध कर फूंकने को तुरहियां लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इसराइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होगे। परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबियाह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इसराइलियों को मारा। तब इसराइली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबियाह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इसराइल में से 500,000 छटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इसराइली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबियाह ने यारोबाम का पीछा करके उसे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। अबियाह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। परंतु अबियाह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। अबियाह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं।